Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11th, and it is our fourth part for chapter 2, that's name is collection of data. In this video we understand about the questionnaire and schedules. मतलब क्वेश्चन हमारा कैसा होना चाहिए, उसका शेड्यूल या जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे. तो आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग. जैसा कि क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स की जब बात करते हैं तो लाइन भी कहता है, इन स्टैटिक्स द इन्वेस्टिगेशन द क्वेश्चनियर मैथड्स इज द मोस्ट पॉपुलर मैथड फॉर ऑफ कलेक्टिंग डाटा. यानी कि क्वेश्चन मैथड जो होता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैथड है डेटा को कलेक्ट करने के लिए. अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो उसमें सबसे बेहतर मैथड जो होता है वो क्वेश्चनियर हो गया, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज पे अगर देखें तो. इन प्रैक्टिस द क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स आर यूज इन द सेम सेंस. क्वेश्चनियर की बात करें और शेड्यूल्स की बात करें तो दोनों को एक ही सेंस में यूज किया जाता है. और बोथ सो अ सेट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें दोनों में क्या होता है, दोनों में सेट ऑफ क्वेश्चन यानी कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करने का काम करते हैं. जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारा इन्वेस्टिगेशन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को फोकस करके होता है. तो उस ऑब्जेक्टिव को फोकस करने के लिए किस किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जो हमारी प्लानर होते हैं वो इसको जनरेट करने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव. और उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम क्या करते हैं, लोगों से क्वेश्चन करने का काम करते हैं और उसके सॉल्यूशंस के थ्रू हम अपने डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं. कंस्ट्रक्शन और ड्राफ्टिंग द क्वेश्चन. कंस्ट्रक्शन यानी कि क्वेश्चन को बनाना और उसकी ड्राफ्टिंग करने की जब बात करते हैं तो पहला होता है ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चन रिक्वायर द स्किल एंड एक्सपर्टीज विच कैन बी प्रोवाइड ओनली बाय अ वेल ट्रेन्ड स्टैटिस्टिशियन. अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और ड्राफ्टिंग की तो नॉर्मली ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनियर रिक्वायरमेंट. ड्राफ्टिंग में होता है क्या कि जो क्वेश्चनियर जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन में जो किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए हमारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, उस पर मेन पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस किया जाता है. लेकिन वो कौन करता है, द ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनियर रिक्वायर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज. क्वेश्चनियर के लिए क्या चाहिए, एक स्किल चाहिए यानी कि एक्सपर्ट पर्सन हो जो उसके बारे में अच्छे से जानता हो, वो उसकी ड्राफ्टिंग कर सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है, क्वेश्चन को जनरेट कर सकता है. विच कैन प्रोवाइड ओनली बाय अ वेल ट्रेंड स्टैटिस्टिशियन, जो केवल एक वेल ट्रेंड स्टैटिस्टिशियन ही कर सकता है. यानी कि वो स्टैटिस्टिशियन दैट अ पर्सन हु आर द वेल नोन अबाउट द स्टैटिक्स इज नोन एज स्टैटिस्टिशियन. तो वो बंदा क्या कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चनियर को ड्राफ्टिंग करने का काम कर सकता है. यानी कि इसको पॉइंट अगर देखें तो इसको तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, उसको जनरेट करने का काम कर सकता है. द सक्सेस ऑफ एंटायर इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस. क्वेश्चनियर पूरे इन्वेस्टिगेशन का, जैसे हम डेटा जब कलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक मैथड है, क्वेश्चनियर मैथड है, तो उस मैथड में सारा का सारा जो डेटा कलेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या डेटा कलेक्शन का जो सक्सेस होता है वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनियर के ऊपर डिपेंड करता है. यानी किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव से कितना वो रिलेट करता है, जितना ज़्यादा रिलेट करता है उतना ही ज़्यादा हमारा क्वेश्चनियर शेड्यूल क्या करता है, सक्सेसफुल होता है और डेटा हम बेहतर कलेक्ट कर पाते हैं. आगे चलते हैं, द रिक्वायरिटीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड क्वेश्चनियर. क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, तो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन. नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन इतनी क्वांटिटी में ही होनी चाहिए जिसमें जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो उसको उसका सॉल्यूशन देने या उसका जवाब देने में उसको हेजिटेशन महसूस ना हो. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लेस एज पॉसिबल रिलेटिंग टू द प्रॉपर ऑफ पर्पज ऑफ क्वेरीज. तो नॉर्मली देखें इतना ज़्यादा इतना कम होना चाहिए या इस इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी क्वेरीज कंप्लीट हो रही हो. यानी कि अगर हमें दो क्वेश्चन में ही हमारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन का जो नंबर होना चाहिए वो दो होना चाहिए. रीजन जैसे मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से जो रिस्पोंडेंट होता है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसको इरिटेशन महसूस होती है और वो अपने टाइम को बहुत प्रियोरिटी देते हुए आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता है. तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन उतनी ही होनी चाहिए जिसमें वो कम टाइम में ही बाकी आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने कर सके. सेकेंड कहते हैं सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चन, डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए. नॉर्मली देखिए क्वेश्चंस आज शुड बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट. कैसा होना चाहिए,
सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए. द लैंग्वेज ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी क्लियर इन सैम्पल्स. अगर देखें तो जो लैंग्वेज होना चाहिए क्वेश्चन का वो भी सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए. दैट्स मीन व्हाट, कि जहां हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए वहां की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम यहां अपने यूपी में बैठे हुए हैं और हम तमिल लैंग्वेज में किसी के इन्वेस्टिगेशन करें तो उसका कोई रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं है. तो लैंग्वेज जहां पे हो, जहाँ पे हम हो, लोकेलिटीज़ के बेसिस पे ही लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाना चाहिए. तो ये इसकी क्वेश्चनियर की एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या एलिमेंट्स कह लीजिए. प्रॉपर ऑर्डर क्वेश्चन का जो हो रहा है, अरेंजमेंट एक सुटेबल सिचुएशन में होनी चाहिए. देन पर्सनल क्वेश्चंस. कई बार क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करते करते हम बहुत पर्सनली हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या करता है, पर्सनल क्वेश्चन अफेक्ट द फीलिंग्स सेंटिमेंट्स ऑफ द रिस्पॉन्डेंट शुड बी अवॉइड. तो क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत पर्सनली नहीं होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन में क्या होता है, जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो कई बार उसके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं, साथ ही साथ तो वो थोड़ा सा बहुत ही बुरा महसूस करता है कि नहीं पर्सनली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्डेंट नहीं करेगा, अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं करेगा. और जब डेटा आप कलेक्ट कर लोगे तो वो एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए, किसी को पर्सनली हर्ट करने का काम नहीं करना चाहिए. नॉन कन्वर्सेबल क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस कंसर्निंग द पॉलिटिकल रिलीजियस मैटर्स शुड नॉट बी आस्क्ड. क्वेश्चंस जैसे कन्वर्सेबल क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके रिलीजियस से रिलेटेड हो या पॉलिटिकली हो, ठीक है, और रिलीजियस से हो पॉलिटिकली हो, इस तरह के जो मैटर होते हैं उनसे अगर रिलेटेड होते हैं तो इनको नहीं पूछना चाहिए. क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कई बार क्या होता है, आपके अपने डेटा के लिए बहुत बेहतर नहीं होता है और बहुत सारे लोग इस पर बात करना पसंद भी नहीं करते. द मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्वेश्चन रिलेटेड द मैथमेटिकल क्वेश्चन मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुड नॉट बी आस्क्ड. द इन्वेस्टर्स सॉरी इन्वेस्टिगेटर और द इन्वेस्टर कैन डू द कैलकुलेशन जॉब. अगर नॉर्मली देखें कैलकुलेशन से रिलेटेड या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो उसको पूछने की जरूरत नहीं होती है, इस काम को इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टर जो हो वो खुद ही कर लेता है, वो उसका अपना जॉब होता है. तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, उसमें नहीं रखना चाहिए. ये अगर सारे इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपका जो क्वेश्चन शेड्यूल होता है वो बहुत ही बेहतर होता है. आगे इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो क्लियर एंड नेसेसरी हिंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द क्वेश्चनियर्स मस्ट बी गिवन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस. यानी कि जरूरत के हिसाब से जहां आपको कुछ हिंट देने चाहिए, जहां पे कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में, तो उन जगहों पे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दे देने चाहिए जिससे जो हमारा रेस्पॉन्डेंट है उसको आसानी से चीज़ों के बारे में समझ में आ जाए और जो आंसर आप चाहते हैं वो उसके बारे में आपको बता सके. नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए. द क्वेश्चनियर मस्ट कंटेन द क्वेश्चन विच वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द आंसर. नॉर्मली अगर देखें तो जो क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियर मस्ट कंटेन द क्वेश्चन, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो क्या करें, विच वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ आंसर, जो एक्यूरेसी ऑफ आंसर को यानी कि आंसर कितना सही दिया गया है उसके बारे में वेरीफाई करता हो. तो ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए जो कि क्रॉस वेरीफिकेशन को मेंटेन करते हैं. अट्रैक्टिव का सेंस ये है कि लोग ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो. नॉर्मली अगर देखें तो क्वेश्चन शुड बी एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल, जैसे भी होना चाहिए कैसा होना चाहिए, जितना संभव हो सके उतना हम उसको अट्रैक्टिव बनाए. इट्स एम्प्लॉयज द गुड पेपर्स प्रॉपर लेआउट एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चनियर्स एंड द फाइन प्रिंटिंग्स. तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, अच्छे पेपर पे होना चाहिए, अच्छे लेआउट के साथ होना चाहिए, फॉर्मेट उसका अट्रैक्टिव होना चाहिए और साफ सुथरी प्रिंटिंग भी होनी चाहिए. जिससे कई बार क्या होता है, हम कई बार बुक देख के बहुत अट्रैक्टिव है, बड़ी अच्छी बुक है, तो वो अट्रैक्शन क्या होता है, उसके पब्लिकेशन उसके फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है. तो अगर ये सारी चीज़ें होती है तो क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का एक मेन पार्ट होता है लोगों को इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए. रिक्वेस्ट फॉर द रिटर्न्स, हमें कई बार क्या करता है, रिटर्न्स के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है. यानी क्वेश्चन हमने फॉरवर्ड कर दिया, किसी को दे दिया, तो हम उनको उससे मांगना चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए. द रिक्वेस्ट शुड बी मेड द रिस्पॉन्डेंट बाई द इन्वेस्टिगेटर टू रिटर्न द क्वेश्चनियर फिल्ड इन ऑल रेस्पेक्ट. यानी कि जो भी क्वेश्चन जैसी जरूरत की वजह से जिस भी फॉर्मेशन में पूछे गए हैं उन सभी को फिल करने के बाद रेस्पॉन्डेंट से जो इन्वेस्टिगेटर उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हाँ हमें क्वेश्चन को वापस कर दीजिए या उस पेपर को शेड्यूल को वापस कर दीजिए जिस पर हम काम कर रहे हैं. प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे एक होता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, कई बार आपसे पूछा जा सकता है.
वंस द क्वेश्चन इज रेडी, जब एक बार क्वेश्चन रेडी हो जाता है, इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट अ ट्राई आउट विद अ स्मॉल ग्रुप। तो ये एडवाइजरी रखी जाती है कि उसको पहले क्या करें, छोटे से ग्रुप पे क्या करें, कंडक्ट करें, यानी कि वो क्वेश्चन हम क्या करें, कुछ लोगों के ग्रुप में लेके जाएं, उससे उसके रिस्पांस के बारे में जानने की कोशिश करें। तो जब हम छोटे से ग्रुप में, मतलब बड़े ग्रुप में जाने से पहले उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से करने से पहले अगर हम स्मॉल ग्रुप में उसको करते हैं, स्मॉल यूनिट्स में करते हैं, तो उसको हम पायलट सर्वे कहते हैं, या फिर इट्स नोन एज अ पायलट सर्वे और अ प्री टेस्टिंग, या फिर प्री टेस्टिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। द सिक्रेसी अश्योरेंस की अगर बात करें, द रिस्पोंडेंट शुड बी अश्योर्ड दैट हिज आंसर विल बी केप्ट इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है, रिस्पोंडेंट जब अपने आंसर को देता है तो वो थोड़ा सा फियर में होता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट किया जा रहा है क्या वो हमारे फेवरेबल सिचुएशन में होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बताने से हेजिटेट करता है या फिर अवॉइड करता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन अगर देखें तो हम उसको अगर ये अश्योर कर दें कि नहीं आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फुल्ली कॉन्फिडेंस रहेंगे या कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, उसमें किसी तरह की कोई लीकेज नहीं होगी या इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जाएगा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे तरफ से होनी चाहिए हमारे अपने शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए, जो क्वेश्चन शेड्यूल होता है। नॉर्मली कवरिंग लेटर, द शॉर्ट कवरिंग लेटर शुड बी क्लोज्ड विच एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सर्वे एंड हाउ द इन्फॉर्मेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम इट। तो शॉर्ट कवरिंग लेटर होना चाहिए हमारे पास जो सर्वे को क्या करता है एनक्लोज, जिसमें हम उसको रख सकें और जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि हाँ जो इन्फॉर्मेंट है वो उसके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो ये सारे पॉइंट, लगभग 13 पॉइंट है किसके लिए, हमारे अपने क्वेश्चन शेड्यूल को एक बेहतर क्वेश्चन शेड्यूल के होने के लिए। तो आगे हम बात करते हैं, कुछ मैंने फॉर्मेशन लिखा है, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है सिंपल एट्रैक्टिव क्वेश्चन। सिंपल एट्रैक्टिव क्वेश्चन कैसे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन हैव द आंसर यस और नो। सिंपल और एट्रैक्टिव क्वेश्चन में क्या हो, यस और नो के क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम किसी से पूछते हैं कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीते हो, तो यस और नो, वो सीरियसली बता सकता है कि हाँ मैं पीता हूँ या फिर नहीं पीता हूँ। डू यू हैव अ कार, वो भी बता सकता है कि यस और नो, मैं मेरे पास है या नहीं है। आर यू इंटरेस्टेड इन डांसिंग, तो उसके बारे में भी बता सकता है कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो एटलीस्ट अगर देखें तो इस तरह के क्वेश्चन को जवाब देना बहुत ही कम वर्ड में होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन होता है ये, और बहुत ही आसान तरीके से दिया जा सकता है और जो रिस्पोंडेंट होता है वो भी इसमें इंटरेस्टेड होता है। सेकंड की बात कर, मल्टीपल चॉइस या MCQ जिसको आप लोग बोलते हैं, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसको कुछ ऑप्शंस देते हैं, यानी कि जो शेड्यूल दिया जाता है उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने कई बार फीडबैक भरा होगा, फीडबैक फॉर्म जो आपने देखा कई बार जो रेस्टोरेंट वगैरह पे आप जाते हैं या किसी अच्छे शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो शॉपकीपर होता है वो फीडबैक लेता है आपसे, तो फीडबैक के लिए फीडबैक फॉर्म भरता है। तो उससे प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं और वो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस क्या करते हैं, आप उसको पढ़ते हो और उसके हिसाब से ट्रिक लगाते चले जाते हो। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट की बात करें तो उसमें फूड के बारे में पूछता है, वहाँ की सर्विसेज के बारे में पूछता है, तो कुछ ऑप्शंस दे देता है कि गुड, बेटर, एक्सीलेंट, एवरेज या फिर नन ऑफ दीज, तो ऐसे ऑप्शंस आपको देता है और उसमें से आप अपनी चॉइस जो आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये कैसा रहा है उसके बारे में फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। तो वो जब फेल करके देते हो तो उसको रीड करता है और उसके हिसाब से अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, कैसे बदलाव करने हैं, उसके बारे में वो डिस्कस करता है, वो डेटा वो कलेक्ट करता है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट टाइप ऑफ अ न्यूज यू प्रेफर, तो नॉर्मली कहता है किस तरह के न्यूज़ को आप प्रेफर करना चाहें, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर कोई और। तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके के न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, पहला सिंपल जिसमें यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, और अब हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। थर्ड जो होता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की बात करता है, कहता है कि वेन वी नीड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी यूज। जो हमको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेंट से, तो हम क्या करते हैं, कुछ बेसिकली स्पेसिफाइड क्वेश्चंस को जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, हम मान लीजिए अपने इन्फॉर्मेंट के बारे में पूछा है तो हम उससे पूछ रहे हैं भाई आप कितने साल पुराने हो, तो वो उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, स्पेसिफिक है। हाउ मच टाइम डू यू अडॉप्ट फॉर रीडिंग बुक, तो कहता है कि कितना समय लेंगे भाई आप किताब को पढ़ने के लिए क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है,
कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो वो पर्सनल स्पेसिफिक पर्पस पे ये चीज़ों को मेंटेन करता है। तो इसमें स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को फोकस करके जनरेट करते हैं। देन इसके बाद है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का सेंस ये होता है कि व्हेन वी वांट टू ऑब्टेन द डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम द आंसर ऑफ द डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम देखें तो अगर ओपन क्वेश्चन की बात करें तो हम किसी बंदे से ओपिनियन अगर जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें ओपन क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं, यानी कि अलग अलग तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग तरह से लोगों से मुलाकात होती है, तो उसमें क्वेश्चन के जो बेस होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होते हैं, ओपन क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कि हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन बी सॉल्व, कि जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू उस पर आते हैं लोगों के, अलग अलग नज़रिए से लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाउ विल यू सॉल्व द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इन योर सिटी, आपकी सिटी में जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अलग अलग लोगों के पास जाता है, तो अलग अलग लोगों के पास जब जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को वो अलग, हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको लिखता है। इसके पहले हमने देखा क्या था कि यस या नो जो हम प्रीडिफाइन दे रहे थे, मल्टीपल में हम पहले से ऑप्शंस को दे रहे थे, उसके बाद स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या था, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते थे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फोकस करते थे। लेकिन इसमें ओपन क्वेश्चन में क्या है कि एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसमें लोग अपना नज़रिया इस पर राइट ऑफ करने का काम करते हैं जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि सिंपल क्वेश्चन की हमने बात कर ली, द सिंपल क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली देखें तो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें इंट्रोडक्शन किसका भाई, तो उसमें नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेशन है, शेड्यूल है, सेक्स मेल है या फीमेल है, एज क्या है उसकी, नेम ऑफ स्कूल क्या है, क्लास क्या है, फोन नंबर या लैंडलाइन है उसके साथ साथ या मोबाइल नंबर है, ठीक। इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वेयर डज द स्टूडेंट्स लिव, स्टूडेंट्स कहाँ रहता है, तो उसके साथ हॉस्टल में रहता है, ठीक है, विद रिलेटिव रहता है या इन रिटर्न रूम, ठीक है, तो या फिर रूम में रहता है या फिर कहीं और भी रहता है, तो इस तरह के ऑप्शंस उसको दे दिए जाते हैं, ये मल्टीपल की तरफ होता है। सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या है, तो भाई उसके फादर मंथली अमाउंट अर्न करते हैं या स्कॉलरशिप के थ्रू, लोन के थ्रू, ट्यूशन के थ्रू, अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। ये देखिए एक्सपेंडिचर और इनकम की अगर बात करें तो टोटल इनकम उसकी क्या होती है, इससे निकल के हमारे पास आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं जैसे थर्ड की बात कर लें, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं भैया, स्कूल फी है उसका, बुक एंड स्टेशनरी है, ब्रेकफास्ट एंड फूड है, क्लोथ्स वॉशिंग एक्सेट्रा है, फिर रूम रेंट है, कन्वेंस है, फिर एंटरटेनमेंट है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो ये टोटल उसके खर्च हो जाते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारे सारे खर्चे के बाद जो हमारी इनकम होती है उसमें से अगर खर्चा निकल जाते हैं तो हमारे पास सेविंग्स होती है, तो डिफिशियंसी और द सेविंग्स की अगर बात करें यानी कि घाटे में कितना चल रहा है, कितना उसके पास कम पैसे हैं अपनी ज़रूरत से और कितना उसके पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वो क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से देखें ये एक फॉर्मेशन होता है जो क्वेश्चनियर बेस्ड होता है नॉर्मली। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू।